गाइज, वेलकम टू माई चैनल इंजॉय विद माई कुकिंग स्टाइल। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मजेदार, और व्रत में भी आप उसे खा सकते हैं, साबूदाने की खिचड़ी। बस उसमें थोड़े से मैं उसमें प्याज डाली, तो आप प्याज हटा दीजिएगा, बाकी आप उसे व्रत में भी खा सकते हैं। है साबूदाने की खिचड़ी। पैन में तेल गरम कर लेंगे। 2 टेबल स्पून तेल दिया है मैंने, तो हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी जीरा। थोड़ी सी हींग, उसके बाद जाएगी प्याज। फ्लेम को स्लो करिएगा, बहुत ज्यादा तेज मत रखिएगा। प्याज को आपको एकदम लाल नहीं करना है, जस्ट ट्रांसल्यूसेंट हो जाएंगे, ट्रांसल्यूसेंट करनी है। इसमें डालेंगे हम थोड़े सा नमक, इसमें जाएगा थोड़ा सा हल्दी, पेलाएंगे इसमें आलू, देन हम इसमें डालेंगे एक टमाटर और ये हरी मिर्च। इसको हम ढक के पकाएंगे जब तक कि मेरे आलू गल नहीं जाते। फिर मैं बताती हूँ कि मैंने ये साबूदाने को कैसे तैयार किया। मैंने साबूदाने लिए, ये ऑलमोस्ट 1 कप के बराबर है, फूलने के बाद ये 2 कप हो गया है। क्या किया मैंने, पहले साबूदाने को अच्छे से रिंस किया पानी से। वॉश करने के बाद मैंने इसे थोड़े से पानी में, सॉरी 1 कप साबूदाना था तो मैंने उसमें ऑलमोस्ट 3 to 4 टेबल स्पून पानी छोड़ रखा था, जस्ट हल्का, ज्यादा नहीं। सारा पानी आपको निकाल देना है, थोड़ा सा ही डालना है, और इसको एटलीस्ट मिनिमम 4 to 5 आवर्स के लिए सोक करके रखना है। फिर देखिए आपके जो साबूदाना है वो काफी अच्छे फ्लफी हो जाएंगे। देखिए दब भी रहे हैं, और ऐसे ही होना चाहिए, नहीं तो साबूदाना कच्चा मतलब वैसा रह जाएगा, ज्यादा अगर फूलेगा नहीं तो आपका साबूदाना अच्छे से पकेगा नहीं, तो ऐसा होना चाहिए। और सॉरी, मैंने वो क्लिप मेरे से गलती से चली गई थी, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आपको करना है। इसको हम देख लेते हैं, ऑलमोस्ट 1 मिनट से ज्यादा हो चुका है। अभी नहीं गले हैं आलू। जीरा पाउडर 1/2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, और इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून चाट मसाला। अभी देख लेते हैं इसको, तो ये हो गया है। अभी हम क्या करेंगे, हम ये साबूदाना इसमें डाल देंगे। अब इसे ढक के पकाएंगे जब तक कि मेरे साबूदाने ट्रांसल्यूसेंट ना हो जाएं। तो ये मुश्किल से 1 से 2 मिनट लगेगा होने में, तो इसे ढक के थोड़ी देर रखते हैं, चेक कर लेते हैं। और देखिए कैसा खिला खिला बनाए, सारे दाने आप अलग अलग कर सकते हैं, ये देखिए, लेकिन जैसे मैंने बनाया ऐसे ही बनाइएगा। हरा धनिया डालेंगे, ये तो बहुत यम्मी लग रहा है। तो चलिए अब इसको सर्व करते हैं। तो ये है मेरा पोहा, देखिए कितना अच्छा लग रहा है, कलरफुल, बहुत ही ज्यादा यम्मी है।
तो अगर आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और बेल बटन को भी हिट कर दिएगा ताकि जैसे ही मैं कोई न्यू वीडियो आपको पता चल जाए। तो मिलते हैं तब तक, बाय बाय।